देखो इस शॉर्ट वीडियो को मैं अभी अपलोड करता हूँ आपके सामने, तो इसने एक अच्छा सा पहले तो मैं टाइटल यूज कर लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ छोटा भीम, जो कि एक टाइटल होगा, ये मेरा एक टाइटल होगा और इस टाइटल के साथ मैं इसे अपलोड करूँगा। हैशटैग शॉर्ट्स भी लगा दूंगा और एक और हैशटैग हम ट्रेंडिंग लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये हैशटैग भी आप लगा देना, जिससे कि आपकी वीडियो शॉर्ट वीडियो 100% वायरल होगी। और जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, अपलोड करने के 21 मिनट हुए इस वीडियो को अपलोड करते और 5000 व्यूज आ चुके, यानी कि इस वीडियो को वायरल होने का चांस बढ़ चुका है। अब यहाँ से ये वीडियो वायरल होने वाली है, जो कि मैंने आपको ट्रिक इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ कैसे मैंने इस ट्रिक को लगाया। जैसे मैं अपलोड करने 21 मिनट बाद ही इस पर 5000 व्यूज आ चुके हैं, तो अब ये वीडियो मेरी 100% वायरल होने वाली। कैसे आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं इस वीडियो को एंड तक देखो, 100% आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। तो गाइस मैं आप लोगों को क्लियर में समझा देता हूं। तो आप यहां पर साइड स्क्रीन पर देख रही होगी, देख रहे होंगे कि यहां पर दो वीडियोस अपलोड किए गए हुए और दोनों वीडियो पर 2.5 मिलियन जो व्यूज आ चुके हैं, दोनों शॉर्ट वीडियो पर 2.5 मिलियन आ चुके हैं, यानी कि दो ही शॉर्ट वीडियो पर। अगर आप सोचो 10 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दो, कितने 10, अगर आप एक एक रोज अपलोड करोगे और 10 दिन में 10 शॉर्ट वीडियो अगर आप अपलोड कर दे दो, तो 100% उसमें से 200 से 300 वीडियो वायरल जाएगी और 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज आने वाला है, और उसके बाद आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। और वायरल होने के बाद आपके शॉर्ट पर सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएगा और वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा और आपका जो चैनल मोनेटाइज भी होगा और उससे आप अर्निंग भी कर सकोगे। पर सबसे बड़ी रीजन होता है कि आप ऐसे शॉर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, उनको कैसे बनाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कैसे कैसे आप इन शॉर्ट को बना सकते हो, वो भी विदाउट कॉपीराइट के। आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा और नहीं आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली। सारा कुछ प्रोसेस मैं इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिए, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलेगा इस बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट आपको ऐसी शॉर्ट वीडियो कहाँ मिलेगी? देखो आपको ऐसी शॉर्ट वीडियो अपने YouTube से ही मिलेगी, आपको YouTube से ही डाउनलोड करनी होगी। कैसे डाउनलोड करनी, चलिए मैं बताता हूँ। YouTube पर जाना होगा आपको, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, ठीक है, इन्फोनेटिक हिंदी ऐसे नाम से यहाँ पर सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पर ये चैनल ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर देख सकते हैं। आपको इसी चैनल की वीडियोस को यूज़ करना होगा। अब इसमें कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब ये मत सोचना है कि यहाँ से आपने वीडियोस देख लिया आपको चैनल पता चल चुका है तो आप इस चैनल सीधा डाउनलोड करके सीधा अपलोड कर दोगे, तो यार ऐसे तो आपके चैनल कभी भी कंपनी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल कभी भी टर्मिनेट हो जाएगा। आपको ऐसे काम नहीं करना है। कैसे कैसे काम करना है मैं आपको आगे बताता रहूँगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो चलिए उसके बाद आपको क्या करना पड़ा, यहाँ से सीधा इस वीडियो डाउनलोड करने के बाद मेन जो काम होता है वो होता है आपकी एडिटिंग। अब एडिटिंग में आप यह सोचोगे कि यार उसमें एडिटिंग में वॉइस ओवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ऐसी वीडियोज़ को कट करके अपलोड कर देना चाहिए शॉर्ट में? तो देखो मैं आपको पहले क्लियर कर बता देता हूँ, आपको वॉइस ओवर करनी होगी। अगर इस वीडियो में अगर आप खुद की वॉइस ओवर कर लेते हो तो उसमें क्या हो जाता है कि ये वीडियो खुद का हो जाएगा, ठीक है। किसी और का वीडियो अगर उसमें वॉइस ओवर करते हो, आप थोड़ा सा एडिट वेडिट करते हो और वॉइस ओवर कर ले तो मतलब कि वो वीडियो अपना हो चुका है, और अपना वीडियो है तो हम मतलब कि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि उस वीडियो पर वॉइस ओवर करना होगा। वॉइस ओवर कैसे करते हैं वो मैं आपको काइन मास्टर में बताने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें चलना होगा काइन मास्टर में और उसके बाद सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक कर कि कैसे हमें वॉइस ओवर करना होगा और कैसे इस वीडियो को अपलोड करना होगा। उसके बाद ही हमारी जो ये शॉर्ट वीडियो वायरल होगी और ऐसे इफेक्ट हमें इसी चैनल से लेने होंगे, और इसी चैनल से आपको कुछ मेन जो पार्ट होता है, जो यूनिक पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी चीज़ का यूनिक पार्ट हुआ, किसी चीज़ का कोई भी यूनिक चीज़ हुई किसी भी वीडियो का, तो आपको वो कट करना होगा। वो कट करना आपको 15 से 20 सेकंड के बीच का, उसके अंदर आपको वॉइस ओवर करनी है जो कि अपने हिसाब से आप कर सकते हो, फिर उसके बाद उसे अपलोड करना अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डेली आपको यही काम करना होगा 8 से 10 दिन, तो 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि कैसे हमारी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका चैनल नया है और अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रही है तो ये ट्रिक आप जरूर यूज़ कर लेना अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उससे पहले हम चलते अपने काइन मास्टर में, मैं वहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें वॉइस ओवर करोगे, उसके बाद आगे प्रोसेस समझाता हूँ। मैंने अपना काइन मास्टर यहाँ पर ओपन कर लिया और वो वीडियो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली जिस वीडियो को मैं यहाँ पर एडिट करने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एडिट करने वाला हूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ये वाली वीडियो मेरे सामने आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। हम इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसमें हम शॉर्ट वीडियो एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शॉर्ट का सेक्शन जो कि हमें ऐड करना था वो हमने नहीं किया, तो पहले मैं चलता हूँ शॉर्ट वीडियोज़ को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर जाते हैं और 9.16 पर हम क्लिक कर दे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो शॉर्ट वीडियो बनेगी वो शॉर्ट वीडियो क्रिएट होगी। अब यहाँ पर डाउनलोड पर जाता हूँ और फिर से मैं
ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखना ये वीडियो मेरे सामने आ चुकी है, अब मैं इसको शॉर्ट में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाला, इसका जो मेन पार्ट होता है वो मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। तो चलिए मैं देख लेता हूँ इसका मेन पार्ट क्या रखने वाला है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मैं इसका मेन पार्ट क्या रखूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसके अंदर मैं अपनी वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये पार्ट बहुत अच्छा लगा है, ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से मैं इसे क्या करने वाला हूँ, कट करने वाला हूँ। चलिए पहले मैं यहाँ से आगे से कट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसे यहाँ पर पीछे से कट कर लेंगे, जो कि ये पार्ट मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। मुझे इतना सा 10 से 11 सेकंड का पार्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैं अभी आपको 11 सेकंड का ही करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको भी कट कर लेता हूँ, तो ये पार्ट मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इससे सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जूम पर क्लिक करके इसको पूरा जूम कर लेते हैं। इसे यहाँ पर जूम कर लेता हूँ फटाक से, चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर जूम वाला सिस्टम है ये से, इसे मैंने इसको जूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जूम कर लिया, मैं इसे थोड़ा सा प्ले करके चेक कर लेता हूँ, जो कि यार मुझे दिख रहा है यहाँ काफ़ी थोड़ा सा, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, जो कि यार मुझे थोड़ा सा मेंशन नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। इस टाइप से अगर मेंशन कर लेंगे तो थोड़ा सा क्या है अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले मैंने ये वाला मेंशन कर दिया, तो अब मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ये वाला। तो अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसे यहाँ से एडिट करने वाला हूँ। अगर आप इसमें वॉइस ओवर करना चाहते हो तो आप वॉइस ओवर कर सकते हो, यहाँ से वॉइस ओवर पर क्लिक करके, यहाँ से सीधा वॉइस पर क्लिक करके इसे आप वॉइस ओवर कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी वॉइस चेंज करने वाला हूँ, जो इसके अंदर ऑलरेडी वॉइस होती है ना, मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहले इसकी वॉइस सुनाता हूँ क्या है। तो चलिए इसकी वॉइस ओवर सुनो। ठीक है, तो ये वाली इसकी वॉइस ओवर है, तो हम इसे चेंज करने वाले थे। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते हैं वॉइस चेंज पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा वॉइस चेंज का, तो ये दिया हुआ वॉइस चेंज, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर वॉइस ओवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक अच्छी सी वॉइस ओवर रख लेता हूँ। ठीक है, एक किड्स वाली रख लेता। ठीक है, ये वॉइस ओवर मैंने रख लिए। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसे मैं सेट करने वाला हूँ। उससे पहले हम एक काम और करेंगे यहाँ पर, जो कि आपको अपने चैनल का लोगो लगा देना। जैसे मेरा एक चैनल है सुनील फैक्ट के नाम से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सुनील फैक्ट, सुनील फैक्ट लिख दूंगा और ये मैं सेव कर दूंगा और उसको मैं यहाँ पर साइड में बिठा दूंगा, जिससे क्या होगा कि लगेगा कि ये मैंने खुद ने ही बनाया और ये मुझे ही मेरा चैनल का हो जाएगा। ठीक है, लोगो मेरा चैनल का लगा दिया, तो यानी कि मेरा खुद का हो चुका। तो अब इस टाइप से कर इसे क्या करना होगा, यहाँ से सेटअप कर लेना। तो यहाँ पर इसके क्लिक करके इसको सेव कर लेना। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेव हो चुकी है। अब मैं इसे आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ कैसे हम इसे अपलोड करेंगे। तो चलिए सेव हो चुकी है, चलिए अब अपलोड करने के लिए हमें यूट्यूब पर चलना होगा। अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, जो जिसपे मैं यार शॉर्ट वीडियोज अपलोड करता हूँ, यानी फैक्ट के रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, मैंने वो चैनल यहाँ पर ओपन कर लिया। तो अब वो चैनल ओपन करने के बाद क्या करूँगा, मैं उस पर एक वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और शॉर्ट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट शॉर्ट पर, और मुझे वही वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी जो मैं यहाँ पर दिख रही है। ठीक, चलिए मैं इस पर चलता हूँ और मेरी ये वाली वीडियो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने अभी आपके साथ बनाई है। तो ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली, तो ये वाली मैंने वीडियो सिलेक्ट कर ली। अब इसमें टाइटल दे देंगे और इसको सीधा हम यहाँ करने वाले। तो ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर ली मैंने, अब यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ टाइटल्स लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कुछ टाइटल्स अपने हिसाब से लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा भीम, जो कि टाइटल ये काफ़ी पॉपुलर टाइटल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं छोटा भीम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा भीम, ये लिख दिया मैंने। अब ये इतना ही टाइटल रहेगा मेरा, और बाद में हम इस पर शॉर्ट्स लगा सकते हैं, हैशटैग शॉर्ट्स, जिससे कि हमारी वीडियो शॉर्ट्स सेक्शन में जा सके। अब क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो को यहाँ से सीधा पब्लिक कर देंगे, जो कि अपनी वीडियो सीधा यहाँ पर पब्लिक पर रखना होगा। और यहाँ पर ट्रेडिंग भी लगा सकते हो, ये हैशटैग काफ़ी अच्छे होते हैं जिनसे आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होगी। अब यहाँ पर अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करके मैं इसे यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। जैसे मेरी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी, एक घंटा दो घंटा के बाद मुझे पता चल जाएगा कि उस पर कितना व्यूज़ आया, कितने वायरल हुई है, काफ़ी बेहतरीन अगर व्यूज़ आया होगा अगर मेरी वीडियो अच्छी चल। तो देखो गाइस, इस वीडियो को अपलोड किए 21 मिनट हुए, कितने 21 मिनट हुए, और 21 मिनट में इसके ऊपर आ चुके हैं 5300 व्यूज़, 5300 व्यूज़ आ चुके हैं। और ये वीडियो होने वाली है अब वायरल, जो कि यार आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई क्लिक बेट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 21 मिनट के अंदर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और ये वीडियो वायरल होने वाली है। तो आपको इस टाइप की शॉर्ट वीडियो बनानी है और ऐसे ही आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।